नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शर्जील इमाम एक नया मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर अभी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप प्रत्यारोप के बीच हालांकि शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारी और जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार की सुबह शर्जील की तलाश में उसके घर पर छापा मारा था, जहां से पुलिस ने शर्जील के भाई मुजम्मिल इमाम को हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में शर्जील इमाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयान देते हुए असम को देश से काटने की बात कही थी। शर्जील ने भड़काऊ भाषण में कहा था कि हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम को हिंदुस्तान से परमानेंटली नहीं तो एक दो महीने के लिए तो काट ही सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डालो कि उनको एक महीना हटाने में लगे, जाना हो तो एयरवेज से जाएं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने 70 साल से किया है, अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 500,000 लोग थे उसमें रैलियां में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, अगर 500,000 लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, तो उनको हटाने में एक महीना लगे। इस वीडियो के सामने आने पर शर्जील के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद शर्जील फरार हो गया। पुलिस शर्जील इमाम की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो बिहार में अपने घर पर मौजूद नहीं था। शर्जील इमाम की दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। भाजपा शर्जील इमाम के मुद्दे को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमकर उछालने की तैयारी कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण है भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अपनी ही सभा में शर्जील इमाम के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। शर्जील इमाम का वीडियो देखा होगा, देखा था या नहीं देखा था? आसाम को काट कर हिंदुस्तान से अलग करना है, दिल्ली को बांध में लेना है, मुंबई को बांध में लेना है, अहमदाबाद को बांध में लेना है। ये वीडियो जो प्रसारित हो गया, इस प्रकार की देश के तोड़ने की बातें सहन करनी चाहिए। अब मैं आज केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी ने मुझे कहा था, अमित शाह जी आप क्या कर पकड़ दे, हमने तो पकड़ कर भैया जेल में डाल दिया, मगर प्रोसिक्यूशन की परमिशन आप दोगे क्या, ये दिल्ली की जनता को बताओ। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि वो शर्जील इमाम पर केस चलाने की इजाजत देंगे या नहीं। कन्हैया कुमार ने शर्जील इमाम के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट कर दूँ, शर्जील के साथ मेरा सीधे तौर पे वैचारिक मतभेद है। आप उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो हमारे खिलाफ भी भाषण देते हैं, आप भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो जो सही चीज है, जो ऑब्जेक्टिव चीज है, वो बात हमको करना चाहिए। देश में किसी को भी हिंसा भड़काने का इजाजत नहीं है, और हम लोग साफ साफ कह रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं, डोंट बी साइलेंट, डोंट बी वायलेंट। किसी तरह की हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का मिसयूज हो रहा है, इस पे हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि शर्जील इमाम से हमारा मतभेद है, लेकिन राजद्रोह के कानून को हल्के में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निलंबित DSP देवेंद्र सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता, जिसका संबंध आतंकियों से था। दिल्ली चुनाव में मुद्दा भटकाने के लिए शर्जील का केस कराया गया। कन्हैया ने कहा कि इस तरह से नफरत इसलिए फैलाई जा रही है ताकि आप बुनियादी सवाल ना उठाएं, इसलिए रोज एक नया मुद्दा आप लोगों के सामने फेंक दिया जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो मुद्दा भी समाप्त हो जाता है।
मैं समझता हूं कि दिल्ली का चुनाव है और चुनाव में इस बात की चर्चा ना हो कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं, इसलिए शर्जिल इमाम की चर्चा अभी हो रही है। इस बीच राजद्रोह के मामले में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम को कल पटना से दिल्ली लाया गया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम उसके साथ पूछताछ करेगी। शर्जिल का परिवार मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है। शर्जिल के पिता अकबर इमाम जेडीयू नेता थे। सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे अकबर इमाम ने साल 2005 में जहानाबाद सीट से जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए वैशाली तोमर की रिपोर्ट।